हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो यार, काफ़ी दिनों से बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे कि हमें MT15 का 2022 मॉडल आएगा या फिर नहीं आएगा, उसमें न्यू मॉडल आने वाला है या फिर नहीं, और आएगा तो कब तक आएगा। तो यार, एक अपडेट निकल के आई है और आज के वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। इससे कन्फर्म हो जाएगा कि हमें MT15 का 2022 मॉडल आने वाला है, जल्दी इस बाइक का न्यू मॉडल आने वाला है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, इस वीडियो में बताऊंगा आपको क्या इस बाइक में अपडेट रहेंगे, कब तक ये बाइक लॉन्च हो सकती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सारी डिटेल आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे भी आपको इसी टाइप के बाइक के वीडियो देखने को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार, जो MT15 जो बाइक है, इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट बाइक है नेकेड वर्जन के अंदर। जैसे कि आपको पता है, जो बाइक है दिखने में काफ़ी शानदार है, इसकी लुकिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। और काफ़ी टाइम से रूमर्स निकल के आ रहे थे कि इस बाइक की यार न्यू मॉडल जल्दी ही आने वाला है, और यहाँ पे अब कंफर्म हो चुका है कि इस बाइक का न्यू मॉडल बहुत ही जल्द इंडिया में देखने को मिलेगा। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कंफर्म मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आप इसके सेल्स रिकॉर्ड देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे जो MT15 है यार, काफ़ी पॉपुलर बाइक है और इसकी जो सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सेलिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जनवरी में इंडिया में इसकी ऑल ओवर सिर्फ 17 यूनिट बिकी है। सिर्फ 17 MT15 बेची गई है ऑल ओवर जनवरी 2022 में। और यार, आपको भी पता होगा, जो MT15 है ना, काफ़ी अच्छी बाइक है और इतनी कम सेलिंग इस बाइक की कभी नहीं हो सकती। यहाँ पे जो यामा है, इसका न्यू मॉडल जो आने वाला है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी है, जो कि बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। और जो ये मॉडल अभी कंटिन्यू जो चल रहा है, अभी प्रेजेंट में जो मॉडल चल रहा है MT15 का, उसका प्रोडक्शन शायद बंद हो चुका है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो सेलिंग है इतनी काफ़ी कम है। 17 यूनिट बेची गई है सिर्फ जनवरी 2022 में। और यहाँ पे आप अपने आसपास में किसी भी शोरूम में जाएंगे, यामा के किसी भी शोरूम पे आप जाना और बुकिंग के लिए बात करोगे, तो वो अभी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। मैंने आसपास के एक दो शोरूम में पता किया था, तो वहाँ पे बुकिंग के लिए मना कर रहे हैं कि अभी यार रुको, इसकी वेटिंग है 15 दिन की 20 दिन की। और उनसे भी यार कन्फर्म नहीं पता उनको कि यार 15-20 दिन में भी बाइक आ जाएगी या फिर नहीं। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा ना यार, अब इसकी जो लॉन्चिंग है बहुत ही जल्द होने वाली है। आप ये मान के चल सकते हो कि जो अगला जो महीना आने वाला है मार्च, उसके मिड तक में या फिर एंड तक में इसका न्यू मॉडल देखने को मिल जाएगा। MT15 का 2022 मॉडल, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आपको मार्च के एंड तक में कंफर्म देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी ये बात कर लेते कि इस बाइक में क्या आपको नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इसकी ब्रेकिंग में। इसमें अब आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यार इस बाइक के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना, जो कि लोग यार बोलते रहते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो है ड्यूअल चैनल ABS। अभी इस बाइक में सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है। तो आने वाला जो मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल आएगा 2022 मॉडल, न्यू मॉडल जो आएगा, उसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा चेंज रहेगा, वो रहेगा इसके मीटर कंसोल में। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि यामा की अदर बाइक में मिलती है, FZ में, R5 में, सेम आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अब MT15 में भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी कुछ और चेंज की बात करें, तो इस बाइक में कलर वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह भी थोड़े बहुत चेंज किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक ऐसे कोई भी बड़े चेंज नहीं किए हैं इसे ग्राफिक्स में। तो जो न्यू मॉडल आएगा, उसमें ग्राफिक्स भी चेंज कर दिए जाएंगे, और थोड़े बहुत आपको एक दो नए कलर एडिशन भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बस ये 3-4 अपडेट होएंगे इस बाइक के अंदर। इसके अलावा तो कोई बड़ा अपडेट इस बाइक में नहीं होगा, क्योंकि जो बाइक है पहले से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी परफेक्ट है। तो इसके अलावा किसी और बदलाव की तो यार उम्मीद अपन नहीं कर सकते। बात करें प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अप्रोक्स मान के चलो 8 से 10 हज़ार रुपये इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ऑन रोड प्राइस में। तो इतना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, और 190 के अप्रोक्स इसकी ऑन रोड प्राइस अब आपको देखने को मिल जाएगी। और लॉन्च के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मार्च के एंड तक में आपको ये इंडियन मार्केट में बाइक देखने को मिल जाएगी। तो यार, ये था एक छोटा सा वीडियो MT15 के बारे में। इसका जो अपडेट्स मेरे पास निकल के आया, उसी अपडेट्स को लेके मैंने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई थी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे भी आपको ऐसे बाइक के वीडियो देखने को मिलते रहें। और मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो बाइक MT15, इसके न्यू मॉडल का वेट कर रहे हो या फिर नहीं, और ये जो बाइक आपको कैसी क्या लगती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कोई भी बातचीत करनी हो किसी बाइक के बारे में, तो स्क्रीन पर इंस्टाग्राम ID आ रही है, आप यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।